जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में जो कि स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक है, जिसमें एमसीक्यू सीरीज 62 यानी कि इससे पहले 61 सीरीज बनाई जा चुकी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। आज जो सीरीज है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें सीटेट, यूपी टेट या ऐसे विभिन्न प्रकार के एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लाभ उठा सकें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न की जो PDF है उसे प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको उस ग्रुप में जोड़ा जा सके, अपने आप जुड़ जाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको ... से है, यानी कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है कि सबको क्या करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, पढ़ने के लिए बाध्य करने, बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा है समाविष्ट करने, या चौथा है जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने। देखिए, अगर जातिगत के भेदभाव से ऊपर उठ करके पुरस्कृत करेंगे और मान लीजिए किसी अन्य में भेदभाव कर दिए जातिगत को छोड़ करके, तो इसका मतलब कि वो समावेशी शिक्षा नहीं हुई। तो इसलिए हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब क्या होगा, पहला का आंसर सी, यानी कि तीसरा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका तीसरा सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो तीसरा है, समाविष्ट करने। तो ये मेन है। देखिए, समाविष्ट करने में ये सब चीज़ शामिल हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में समाविष्ट करने, केवल एक क्षेत्र में नहीं। इसलिए ऑप्शन तीसरा या सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि एक समावेशी विद्यालय, मान लीजिए कोई समावेशी विद्यालय है तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा। देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन पहला कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, ये ठीक लग रहा है थोड़ा। लेकिन दूसरा देखते हैं कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करना, देखिए यहीं पर गलत हो गया दूसरा वाला, अंतर जहां करना, आगे पढ़िए तो भी, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा देखिए, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होना, केवल विशेष रूप से की बात नहीं की जाती है यहाँ। समावेशी विद्यालय में हम केवल किस एक वर्ग के नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की बात करते हैं। अगर चौथे ऑप्शन की बात की जाए तो शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार, यानी कि अगर उसमें कमी है तभी हम उनको सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं, इसलिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए मतलब पहला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमारा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां पर समावेशी कक्षा की बात चल रही है तो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन बी, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। या फिर ऑप्शन सी, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। या फिर ऑप्शन डी, एक रूप निर्देश। यहाँ पर आप देखिए, जो इसमें हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। देखिए, ये जैसे के तैसे लिखा हुआ है, कई सारे एग्जाम होते हैं उनमें से प्रश्न लिया गया है। आप देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजना ये बेटर वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, कभी भी ये IEP कहलाता है। और IEP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है तो वो सही माना जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम में हमारे पास चार ऑप्शन ही होते हैं और हम उसी के आधार पर ही जवाब देते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आप जानते हैं कि जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है,
आईपी जब हम बनाते हैं तो बच्चों के लिए पूरा डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि वो कम से कम औसत श्रेणी तक आ सके, उनको बेहतर बनाया जा सके जो कमजोर बालक है कक्षा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो वो किस पर निर्भर करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ऑप्शन बी उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, ऑप्शन सी उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या फिर ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक के निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक के निर्देशन या प्रेरक तरीके से निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। यानी कि अगर अनुकूलित किया जाता है, जो प्रेरक निर्देशन हो, जो एक मोटिवेटिंग टाइप के हो, मोटिवेट करने वाले हों, ऐसे इंस्ट्रक्शन हो, तब जाकर के बेहतर मेथड माना जाता है वो। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो ऐसा नहीं है कि जो औसत वाले बच्चे उनके समान हैं, तो हमें उनके तरीकों पर भी उपयोग करना पड़ता है और उनके अनुसार भी अनुकूल करना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि राम दृष्टिबाधित छात्र है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कि राम दृष्टिबाधित छात्र है, दृष्टिबाधित यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो निम्न में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? यहाँ पर अभिविन्यास और गतिशीलता का मतलब होता है इंग्लिश में ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जगह, वातावरण, और मोबिलिटी मतलब वहाँ पर मूव करना। तो इससे संबंधित क्या है देखते हैं जरा। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस, दूसरा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, तीसरा ऑडियो क्लिप्स, चौथा सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। तो इनमें से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा हमारा सही जवाब है स्कूल के भवन के स्पर्श नक्शे, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट और वहाँ पर मोबिलिटी हो सकती है उससे रिलेटेड बात करता है, बाकी अन्य नहीं। बाकी जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है इस पर भी बहुत जल्द आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि जो हर, देखिए किसी भी एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, उसका कोई ना कोई सिद्धांत होता है जिसके आधार पर हम उसे जानते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखते हैं हम इसके आधार पर कौन कौन से, हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। पहला है सामाजिक संतुलन, दूसरा है समता एवं समान अवसर, तीसरा है सामाजिक अस्तित्व या वैश्वीकरण, चौथा है विश्व बंधुता। तो इनमें से हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समता एवं समान अवसर, ये हमारा मेन चीज है, क्योंकि अगर समान अवसर अगर उसे मिल जाता है तो ऑटोमेटिक समाज में संतुलन बन जाता है और उसका वैश्वीकरण भी हो जाता है और वर्ल्ड जो फ्रेटर्निटी है, जो विश्व बंधुता है, वो भी सब जुड़ जाता है। तो इसके लिए हमें समान अवसर प्रदान करने की जरूरत है किसी भी क्षेत्र में, और अवसर जो है प्रतिभा को निखारती है, तो इसलिए समान अवसर बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, ये कथन क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन से, ऑप्शन पहला कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, दूसरा सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, तीसरा गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, चौथा गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग
महसूस कर सकते हैं। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे तरीके भी सीखते हैं, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, किसी की भाषा अलग होती है, कुछ लोगों के लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, या कुछ कि अलग अलग एक एक वस्तु को अलग अलग शब्दों के नाम से जानते हैं, होता वही मतलब है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की वजह से अलग अलग जानते हैं, तो अधिक लैंग्वेज का भी विकास होता है। तो इसके अलावा अन्य कौशल भी सीखते हैं, क्योंकि हर तरीका एक ही बच्चा नहीं जानता बल्कि अलग अलग जानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि सुनने में असमर्थ बच्चा यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड इज क्या है, देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल एकेडमिक यानी कि जो शैक्षणिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा देखिए, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। चौथा है कि श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इन सब का चारों में से हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्या कहता है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। देखिए हमारा सेंटेंस यही बैठ रहा है सही, बाकी सही नहीं बैठ रहे हैं। जहाँ पर निगेटिविटी की बात आती है वहाँ पर कभी भी जो हमारा आंसर होता है वो सही नहीं होता है, बशर्ते क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है या निगेटिव में, ये देखना पड़ता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि कोई बालक बिना उद्देश्य विद्यालय के बाहर घूमता फिरता है तो उसे क्या कहेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी पलायनवाद, ऑप्शन सी पलायनता, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पलायनता। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी सही होगा नहीं, अगर बाहर घूमता फिरता है तो क्रिएटिविटी थोड़ी कर रहा है। अब तो जहाँ पर इज्म या वाद लगता है वो स्टडी से रिलेटेड हो जाता है हमारा, वो अध्ययन से रिलेटेड हो जाता है, ये ध्यान रखिए। अब चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, पलायनता। तो कभी कभी हमारे पास ऐसे ही ऑप्शन होते हैं लेकिन उन ऑप्शंस को हम समझते हैं यार इनमें से तो सब बेकार हैं, सही नहीं है, लेकिन उन्हीं में से हमें चूज करना पड़ता है। तो हमें ये देखना है कि आखिर एक एक वर्ड का मतलब क्या है, उस ऑप्शन का मतलब क्या है, और जब मीनिंग या मतलब अर्थ जब पता चल जाता है तो हम सही जवाब लगा लेते हैं। इसलिए ऑप्शन सी बचता है हमारा, वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां प्रश्न, कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है, जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान के पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य, यानी कि इसके पीछे जो निहित उद्देश्य है वो क्या है। देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ऑप्शन सी वैयक्तिक विभिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थी स्वायत्तता जो लर्नर ऑटोनॉमी होता है। इन चारों में से जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, मान लीजिए भ्रूण क्षति आप जानते हैं कि पहले ही अगर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, फेटल डैमेज हो जाता है किसी भी बच्चे का, और उस समय वो मानसिक मंदता अगर हो जाता है कहते हैं, तो अगर उसे मानसिक मंदता कहलाती है तो किस तरीके की मानसिक मंदता होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जैविक मंदता, ऑप्शन बी पारिवारिक मंदता, ऑप्शन सी आकस्मिक मंदता, या फिर ऑप्शन डी चिकित्सा मंदता। देखिए जो बी है वो पारिवारिक मंदता, यानी कि सब बाद में हुआ गया, कोई उनके कलह है और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज अनयूजुअल। सी आकस्मिक मंदता मतलब बाद में जन्म होने के बाद कुछ हो गया,
या फिर ऑप्शन डी चिकित्सा मंदता यानी कि मेडिकल रिटार्डेशन जो बाद में कभी हो गया, तो बायोलॉजिकल रिटार्डेशन सही है हमारा, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये अन्य एग्जामों में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ध्यान से जानिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न जो आपके सामने है कि एस ई एन निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेशल एजुकेशन नीड्स नीडेड, ऑप्शन बी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, ऑप्शन सी स्पेशल एजुकेशन नेशंस, ऑप्शन डी स्पेशल एजुकेशन नॉर्म्स। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जो यहां पर बी हमारा ऑप्शन है, यहां पर जो स्पेशल इस लाइन में देखिए जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स लिखा है वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन नीड्स होगा, कहीं कहीं एजुकेशनल भी मिल जाए तो गलत नहीं होगा, बट स्पेशल एजुकेशन नीड्स पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न जो आपके सामने है कि समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है। अब आप जानते हैं कि समावेशी कक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शिक्षक कक्षा में विषमता और विभिन्नता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करता है, ऑप्शन बी शिक्षक विकलांग बच्चों का विशेष ख्याल रखती है, ये बिल्कुल गलत है, केवल अकेले की बात करता है, तीसरा शिक्षक धीमी गति से सीखने वाले मंद के लिए विशेषज्ञों का समर्थन चाहता है, बिल्कुल गलत है, तीसरा शिक्षक द्वारा विकलांग बच्चों के लिए प्रति सहानुभूति, यानी कि ये जो बी सी डी है ये ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शिक्षक कक्षा में विषमता और विभिन्नता के दायरे के साथ कक्षा को विविध व्यवस्थित करता है, यानी कि ये जो कक्षा की मुख्य विशेषता है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न जो आपके सामने है कि वह दशा जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्रोमोजोम्स की बात करता है, तो आखिर वो क्या कहलाता है अगर ऐसा हो जाता है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, पहला विल्सन सिंड्रोम, दूसरा डाउन सिंड्रोम, तीसरा टर्नर सिंड्रोम, चौथा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दूसरा हमारा सही है डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 15वां देखो कि प्रत्येक समाज में शिक्षा द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, प्रत्येक समाज में शिक्षा द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, मतलब शिक्षा का भी कुछ कार्य है, हम समाज को क्या करना चाहते हैं शिक्षा के द्वारा देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है यानी कि दो कथन कह लीजिए, देखते हैं कि पहला कहता है समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना, ये तो बिल्कुल सही है, दूसरा देखते हैं मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये भी सही है, तो आप ऑप्शन देखते हैं, पहला कहता है ओनली, दूसरा नहीं सही होगा, दूसरा क्या है नीदर वन और टू, ना तो पहला ना तो दूसरा, ये भी नहीं सही है, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों है, तो यही हमारा सी सही होगा, और डी है ओनली वन, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज के 15 क्वेश्चंस जो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे, और बहुत से व्यवहारिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज बनाए जा चुके हैं, चाहे वो थ्योरी रिलेटेड हों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों, फेस वीडियोज भी आपको मिलेंगे, तो चैनल में जाइए और सभी वीडियोज देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें, जान सकें और चैनल से जुड़ सकें, ताकि हमेशा स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें सीखते रहें, आगे भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।